हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए आज हम आप लोगों को एक मैट्रिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाए हैं। देखिए इसमें क्या है, कॉस थीटा है। तो कॉस थीटा है मैट्रिक्स की हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या करेंगे, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो सबको मल्टीप्लाई करके साइन स्क्वायर। अब देखिए यहां पे प्लस का साइन है, इसका हर एक एलिमेंट को इससे ऐड कर देंगे तो देखिए क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस cos थीटा और sin थीटा हो जाएगा। अब ये किसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin थीटा into cos थीटा माइनस प्लस sin थीटा into cos थीटा। अब इसको ऐड करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अगला बार में देखिए क्या होगा, इसका वैल्यू वन होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर वैल्यू वन होता है, कट जाएगा तो ये जीरो हो गया। अब इसको काट देंगे तो जीरो हो गया, इसका वैल्यू वन होता है, ये हमारा आंसर। इस टाइप का प्रॉब्लम रहेगा तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। कॉस थीटा को हर एक टर्म में मल्टीप्लाई कर देना है, साइन थीटा को हर एक टर्म में मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस का साइन है, फिर इसका हर एक एलिमेंट को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, वन होता है। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस है, एक प्लस एक माइनस कट गया, यहाँ पे प्लस माइनस कट गया, यहाँ पे cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू का ओवर होता है, तो कट गया तो जीरो हो गया, यहाँ पे जीरो हो गया, ओवर हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू।